चलो जी। तो हम हैं किसान क्रांति गेट गाजीपुर पे, और जो आप देख रहे हैं बड़ी तेज हवाएं यहाँ पर चल रही इस टाइम पे, यहाँ पे हालात देखो, और ये इस साइड में भी देखोगे पूरा एक उछल सी यहाँ पे पूरा तेज हवाएं। हालात ये हो कि जब भी एक तूफान सा आया, जब भी तोड़ फोड़, जब भी तूफान आया, जब भी तोड़ फोड़ ये करता रहता है उपरले वाला गेट, फिर इनका नया निर्माण करना पड़ा है यहाँ पर। अभी जब यहाँ आज भी सब तीन स्टैंड सब हटा दिए यहाँ से, और चलेगा अभी तो तूफान देख रहे कि और कितना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पूरी फैक्ट्री लग रही वो बनाने की, पूरा यहाँ पर बात बल्ली सब है, यहाँ तोड़ फोड़ होगी, ऊपरने वाला तोड़ फोड़ कर रहे हैं गांव के हिसाब से, शहर के अपने हिसाब से, ज़िले के हिसाब से, उसके हिसाब से हम आने के अपने जो मोर्चे हैं इनको संभालो। ज़्यादा भीड़ की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन हर गांव का ब्लॉक का प्रतिनिधि चाहिए। अभी अपनी सलामत वगैरह करो बैठ के, क्योंकि गेहूँ गेहूँ एक आध दिन के रह रहे होंगे, गन्ना आठ दस दिन का रह रहा, और चुनाव हो ही लिया, चुनाव में तो कौन हारा कौन जीता उसे सब चीज़ों को छोड़ के हमारे और जितने सब मिल गए, क्योंकि सभी गांव के बाशिंदे हैं, एक ही गांव में सब रहते हैं, तो चुनाव तो जो जीत गया वो अपना विकास का काम करें, पहले जो रुके हुए काम है वो करें, और हारे हुए प्रधान से भी बात करें, जो जीतने वाला है जिम्मेदारी बनती है कि गांव में उनसे सबसे बात करें। यहाँ पे टीम आज भी बहुत आगे तुरंत ऐसे आगे बधाइयों से आगे, कोई 400 से हार गया, कोई 300 से हार गया, जो हरा आया वो भी आ जाए तो टेंशन फ्री रहेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत उसको भी नहीं है। यहाँ पे आओ, अपना काम करो, अपने काम को संभालो बांध के। यहाँ पे बहुत निर्माण भी यहाँ पे हो लग रहा है, क्योंकि आज भी बहुत नुकसान हुआ है, आज भी ये गिर के पेंट वगैरह जैसे तो उनका नुकसान हुआ, तो कल से फिर उसे सुधार करेंगे। अभी तो हवा चल रही है यहाँ पर तेज, तो आज के हम भी एक अपना घर बना रहे हैं, यहाँ पक्की कंस्ट्रक्शन उसकी करेंगे, आज कुछ चीज भी मंगवाई, तो जहाँ परत में टूटी है तो उसके आगे ईट चाहिए, नहीं तो बरसात का पानी उसको घुसता है, बहुत जगह उस तरह का निर्माण हुआ है कि बरसात का पानी अंदर ना जाए, ये सारी व्यवस्था करवानी पड़ रही है। साफ सफाई का भी सब लोग ध्यान रखें, सैनिटाइजर का उसका इस्तेमाल करते रहें, और गाँव से ठीक है यहाँ पर, क्योंकि कोई गांव ऐसा नहीं होगा कि जिसमें फोगिंग होती है, जो धुआं है उसका छिड़काव होता हो, लेकिन यहाँ पे ये है कि शाम के टाइम पूरे उसमें कैंप में मच्छर मक्खी नियम, यहाँ पे पूरे उसमें फोगिंग होती है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ गांव से सुरक्षित है यहाँ पे, इसलिए अपना ध्यान भी रखें भाई, क्योंकि एक बीमारी तो है ये, इससे बचाव का भी अपना काम करते रहे, ध्यान भी रखें। सरकार जब बात करेगी सब तूफान अभी चल रहे हैं, बरसात तो आई लेकिन तूफान आया पार्ट अब पाई के वे बनाने पड़ेंगे, आपको अपने पक्की कंस्ट्रक्शन जो ऊंची ऊंची हाइट की वो है वो बनानी पड़ेगी। ये पूरा कारखाना यहाँ पे चलता है, अब दिखाएंगे इसको, जो कारखाना है जो निर्माण यहाँ पर होता है, ये पूरा निर्माण हो रहा कारखाने में, कारखाना कंटिन्यू चलता रहे, ये बांस ये पूरा बांस है, जितने भी वो है ये पूरा जनरेटर है, ये कारखाना है एक किसान का, यहाँ पे ये जनरेटर लग रही, मशीनें लग रही, तो यहाँ से ही जो ये पूरा है फट फट गया, ये भी तो ये बांस और आएंगे, कुछ बांस बच जा, बड़े बड़े बांस चाहिए, दुकानें बंद हैं इसलिए बांस नहीं आ पा रहे, लेकिन उन्हीं का ही रिपेयर करते रहते हैं। ये पूरा यहाँ पानी का सिस्टम है, ये सारे टिकरी बॉर्डर पे, घासा बॉर्डर पे, उनसे ये कहीं पूरा पानी के कैंपर है, क्योंकि पानी का भी एक बड़ा खर्चा आता है, तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर जरूरी आ रही है। यहाँ पर इनके जो लेबर हैं, यहाँ इनका लेखने का ये जो लेबर हैं जो काम करती है यहाँ पर,
तो उनकी व्यवस्था बनाई गई है, ये पूरी मशीन है जिससे पूरा बांस का उसका कटिंग का काम हो भाई अपना गांव से, क्योंकि आंदोलन का नहीं पता कितना लंबा चला था। ये उठ जा ऐसे उखड़ जाता है, ये अभी तेज हवाएं चल रही बाहर, ये तेज हवाएं, ये इस तरह की हवाएं यहाँ पे चलती हैं, तेज हवाएं ऐसे सब। मामला ये नहीं कि हमारे ही फाड़ रहे होंगे, पुलिस वालों का भी फाड़ रहे, जो दिल्ली पुलिस के टेंट लग रहे थे वे भी फाड़ दिए। आय का इंतजाम करना पड़ रहा, उनका भी कर रहे जो पुलिस वाले हैं, तो उनका भी जो अपने तरफ की डर लग रही है, तो उनके भी टेंट अपने आप ही ठीक करवा दे। वे कहते हैं जी हमारे ही करवा दो, तो उनके भी करवाने पड़े, अपने भी करवाने पड़े, परमानेंट लेबर रख रखे। तो ये है कि भाई आते जाते रहो, ये तो है नहीं कि सर्दी में चंदा इकट्ठा करा और उसका हलवा प्रसाद बनाया एक दिन में बांट कर अपना भेज लेना भाई चलो। जो ये ना कि जो गांव का चंदा है वो गांव में रखो, जब उसकी ज़रूरत हो, किस चीज़ की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है तो उसका भी अपना ध्यान रख के। ये नहीं कि हलवा गाजरों का हलवा बना के हाथ 10-10 क्विंटल ले आए और कह ले जी 2 घंटे में ख़त्म करना, ये लड्डू बना के जाए 25 क्विंटल, अरे 3 घंटे में ख़त्म करके लो जी बांट कर अपना चले गए 2.5-2.5 लाख रुपए के एक का गाँव में। ये नहीं, यहाँ पे अभी जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी वो बताएंगे। गांव का धन गांव में रखो, बाहर वाले को किसी को मत दो, जब ज़रूरत होगी क्या सामान चाहिए वो बता देंगे, किस गांव से क्या आना है वो भी बता देंगे, क्योंकि ज़रूरत बहुत चीज़ों की पड़ती रहेगी। अब ये पाड़ तोड़ हो रही है, अभी तूफान सिंह चल रहे हैं, अभी पूरा तूफान सिंह है ना अपने पूरे उस पर है, तो तूफान सिंह ना ऊपर पर कर दिया आज काम, कितना ही कर दिया, तो चलो कोई बात नहीं भाई कर, यहाँ तो सरकार नहीं मान रही भाई, जो भी कर जो कुछ है भाई कर, तेरे से तो कौन नहीं मत लगा, लेकिन भाई सरकार से जरूर निपटेंगे। और सब लोगों का धन्यवाद भाई, अपना बीमारी से बचो, अपने परिवार को देखो, दवाई वगैरह का इस्तेमाल करो, और अपना यहाँ पे भी आते रहो। तो इसी के साथ में आपका ये किसान क्रांति गेट है आपका, इसको भी जरा देख लो, किसान क्रांति गेट गाजीपुर यूपी दिल्ली 2018 इसका नाम रख गया, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर क्रांति हुई थी 2018 में। तो किसान क्रांति गेट से राकेश जी